कैसीनो में पैसे कितने उठाए थे ये बताओ। मैं चला जाता हूँ कैसीनो वगैरह जब गोवा चले गए फन वगैरह लिया, बट उतना लिमिट में जितना चुभे ना। तो अब की लाइफ आप दोनों की कैसी चल रही है, रील शो से निकल के रियलिटी में आके? एक्चुअली मतलब हमने वहाँ पर भी ओवर नहीं करी चीज़ें लाइक अदर कपल्स की, ओ हमारे बीच मतलब ये है वो है, वी टुक टाइम बिकॉज मेरे भी जितना जैसे पास में थोड़ी बहुत चीज़ें रही हैं तो मेरे को भी थोड़ा ऐसा डर लग रहा था। हमारे बीच में बहुत लोगों ने यू नो फूड डालने की कोशिश की कि इनकी लड़ाई हो जाए कुछ हो जाए, बट बाहर आके हम दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया चल रहा है। आपकी एक सही पार्टनर को लेके क्या परसेप्शन है कि पार्टनर में क्या क्या क्वालिटीज उन्नति देखना चाहती है इन फ्यूचर? मैं थोड़ी इमेच्योर हूँ आई फील लाइक मतलब तो ठीक है तो मुझे मैच्योर पार्टनर चाहिए ऑफ कोर्स जो ये है। मेरे को एक बात जो स्टार्टिंग से बहुत अच्छी लगी है कि ये बहुत ऑनेस्ट रही है मेरे साथ, इसने कभी झूठ नहीं बोला मुझे। दिग्विजय एंड उन्नति सत श्री अकाल एंड वेलकम टू न्यूज 18। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाउ आर यू गाइस? बहुत खुश हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, लोगों को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है वो जब जो लोग तुम्हें जानते नहीं और वो सिर्फ टीवी पे देख के आप लोगों को इतना प्यार करते हैं कि वो अब दिल से चाहते हैं कि बस दिग्विजय जीते उन्नति जीते, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है लोगों से, जबकि मतलब लाइक हम लोगों को बहुत मतलब लाइक हम लोगों ने इतना कुछ ओवर नहीं किया था, सब कुछ नहीं था, बट पीपल कैन सी द रियलिटी, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ग्रेट यार, पहला क्वेश्चन तो ये है, आई नो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, कैसीनो में पैसे कितने उठाए थे ये बताओ। मतलब मेरे हिसाब से ये है कि मैं चला जाता हूँ कैसीनो वगैरह जब गोवा चले गए फन वगैरह लिया, बट उतना लिमिट में जितना चुभे ना। अच्छा। मतलब ऐसा ना हो कि तुम बर्बाद हो गए हो, थोड़ा बहुत है तुम खेलने के लिए फन के लिए खेल लिए, तो इतना अमाउंट था कि जिससे फर्क नहीं पड़ता था। नहीं नहीं सही बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं इसके साथ अग्री करूंगी इस बात पे। नहीं नहीं कर रही हूँ मैं ना, हम लोग मैं तो खैर नहीं खेलती, मुझे नहीं खेलना आता तो मुझे इसलिए आइडिया नहीं है। एंड फाइनली गाइस, मेरे को ऐसा लगता है कि ना जो जोड़ियाँ रियलिटी शोज पे बनती हैं ना, वो जोड़ियाँ एक तो लंबा चलती हैं और दूसरी बात ये थोड़ा सा ना उनकी लाइफ देखने में ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो अब की लाइफ आप दोनों की कैसी चल रही है, रील शो से निकल के रियलिटी में आके? शो से निकल के बाहर निकल के आई एम ग्लैड कि बाहर ज़्यादा अच्छी चल रही है, क्योंकि वहाँ गेम वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, मैनिपुलेशन होते हैं। हमारे बीच में बहुत लोगों ने यू नो फूड डालने की कोशिश की कि इनकी लड़ाई हो जाए कुछ हो जाए, बट बाहर आके हम दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया चल रहा है। एग्जैक्टली वहाँ पर काफ़ी टॉक्सिक था सब कुछ, एंड बाहर आके एक्चुअली हम टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, गेम का नहीं सोचना है, चिल है, तो मज़ा आ रहा है बाहर। एंड जो चीज़ एक ना प्यार को लेके चीज़ बहुत ज़्यादा हाइप इस चीज़ की होती है कि वी डोंट नो कि आगे फ्यूचर में शो से बाहर निकल के लॉन्ग टर्म होगा या नहीं होगा, है ना? तो ये जो बॉन्ड आपका बना है दोनों तरफ से, तो ये बॉन्ड यू नो कैसा है हम ये जानना चाहते हैं, और डेप्थ में कैसा है, और स्क्रीन पे कैसा है, और रियलिटी में कैसा है? स्क्रीन से ज़्यादा मैं ना शाही किस्म का इंसान हूँ, चंडीगढ़ हरियाणा वाले लड़के होते हैं ना थोड़े से शाय, तो स्क्रीन पे उतना मैं ऐसे जब कैमराज वगैरह होते दिखा नहीं पाता था कि क्या चल रहा है और क्या है, बट हमारे रियल इमोशन जो हैं जब हम कैमरा वगैरह कट हो जाता था तब हम बैठ के बात करते तो तब ज़्यादा रियलनेस निकलती थी। तो और रही बात लॉन्ग टर्म की और वो सब जो आपने बोला कि अभी शी इज 22, मैं 24 साल का हूँ और अभी कोई ऐसा कुछ शादी वादी जवानी की उम्र है, तो जवानी की उम्र है, तो मतलब ऐसा कोई हम रश नहीं कर रहे कि हमें ये रहना ही है या करना ही है, हमें अच्छा लग रहा है साथ में, हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं और बढ़िया चल रहा है। हाँ मज़ा आ रहा है लाइक एक्चुअली मतलब हमने वहाँ पर भी ओवर नहीं करी चीज़ें लाइक अदर कपल्स की, ओ हमारे बीच मतलब ये है वो है, वी टुक टाइम बिकॉज मेरे भी जितना जैसे पास में थोड़ी बहुत चीज़ें रही हैं तो मेरे को भी थोड़ा ऐसा डर लग रहा था, ये शायद है मुझे डर लग रहा था, तो लाइक सही मतलब बिल्कुल परफेक्ट सब कुछ चल रहा है बाहर, ठीक है बाहर भी हम इतना सोशल मीडिया पर इतना ओवर नहीं करते हैं, बट जितना है हम अपने कंपनी इन्जॉय करते हैं। स्प्लिट्सविला की जिंदगी में आपकी जोड़ी कौन सी फेवरेट रही है? बिकॉज स्प्लिट्सविला में वही जाता है जो यू नो जिसने पहले देखा हो रियलिटी शोज में, वही बंदा एंटर करता है जिसने पहले शोज देखे होते हैं। मोस्टली कई लोग नया एक्सपीरियंस लेने जाते हैं कि जो देखते हैं क्या होते हैं रियलिटी शोज में, बट बहुत सारी जोड़ियाँ वहाँ बनी हैं 2015, 16, 17, 18 के अराउंड। तो आपको जोड़ी कोई अच्छी लगती है वहाँ की स्प्लिट्सविला की, कौन सी ज़्यादा बेस्ट जोड़ी लगी? ऐसे तो मुझे कोई नहीं लगा क्योंकि जितने लोग जो मुझे अच्छे लगे थे वो टूट चुके हैं बारह के, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि शो पे जो मुझे अच्छा लगता है एज एन ऑडियंस, बट मुझे पर्सनली लास्ट ईयर जस्टिन साक्षी थे वो अभी भी साथ है, मैं उन्हें पर्सनली भी मिला हुआ हूँ और उनका जेन्युइनली काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, तो उनको देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ चलो हमारे रियलिटी शो से कोई कपल निकला था और वो अब तक साथ है। एंड उन्नति, आपकी एक सही पार्टनर को लेके क्या परसेप्शन है कि पार्टनर में क्या क्या क्वालिटीज उन्नति देखना चाहती है इन फ्यूचर? दिग्विजय में क्या क्या देखना चाहती है इन फ्यूचर?
अदरवाइज कजन ये ना कि यार कि साहिल आया था उसने फ्यूचर की बातें कर ली. बट मैं जस्ट नॉर्मल थिंग जानना चाहता हूँ कि पार्टनर में एक्चुअल में उन्होंने क्या क्या क्वालिटीज़ देखते हैं कि जो हाँ यार मैं डिजर्व करती हूँ और ये होनी चाहिए. सी एक तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. मैं थोड़ी इमेच्योर हूँ आई फील लाइक हूँ मतलब तो ठीक है. समझो मुझे मेच्योर पार्टनर चाहिए ऑफकोर्स जो कि ये है. एम्बिशियस होना चाहिए ऑफकोर्स और मतलब लाइक रियल होना चाहिए आई वुड से. जो है वो वैसा ही दिखे. मतलब ऐसे भी नहीं चाहती मैं कि सोशल मीडिया पे फेक कर रहा हूँ. मतलब फेक इन द सेंस अपनी पर्सनालिटी फेक कर रहा हूँ. रियल लाइफ में भी वैसे ही हो वैसे भी हो सबके सामने रियल हो. एंड आई फील लाइक दिग्विजय इज रियल वेरी रियल. ये मेरे को एक बात जो स्टार्टिंग से बहुत अच्छी लगी है कि ये बहुत ऑनेस्ट रही है मेरे साथ. इसने कभी झूठ नहीं बोला मुझे सच. दूसरे दिन इसने मुझे सच सब सब बता दिया था कि क्या इसके पास में क्या नहीं है और अंडरस्टैंडिंग है अभी धीरे धीरे. और मेन बात जो मेरे को इसकी पसंद आती है जो मेरे पजल में बढ़िया फिट होती है बबली है और ज़्यादा सैड वैड नहीं रहती. कोई भी ऊपर नीचे बात होती है थोड़ी देर में हमारा मूड लाइट बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि ये बबली है मजाक करती है. मैंने ये तारीफ ही करवानी थी यही इंटरव्यू था. थैंक यू सो मच.